लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर लेसन नंबर 9 डेटा हैंडलिंग। ये आपके नया चैप्टर है तो इस चैप्टर में क्या करना है आपको, यहाँ पे डिफरेंट पिक्चर्स देंगे, जैसे स्कूल की पिक्चर्स है, गार्डन की पिक्चर है, बहुत सारे डिफरेंट शेप्स देंगे, जैसे सर्कल है, स्क्वायर है, डिफरेंट आपको क्या देंगे, पर्सन की नेम देंगे जिसमें आपको लेटर्स काउंट करना है। और वो पिक्चर्स को देख देख के आपको क्या करना है, जो नीचे क्वेश्चंस दिए हैं उसको पहले समझ के और उसको क्या करना है, आंसर करना है। ओके, लेट्स सी फर्स्ट एग्जांपल। ओके, क्या है यहाँ पे, दीज चिल्ड्रन आर फ्रेंड्स। यहाँ पे दिख रहे हैं बहुत सारे चिल्ड्रंस आपको, और ये चिल्ड्रंस क्या है, फ्रेंड है। काउंट द नंबर्स ऑफ लेटर्स इन ईच नेम वर्ड। अब जैसे आप सबके नेम्स हैं तो वैसे ये चिल्ड्रंस के भी नेम होते हैं, तो ये चिल्ड्रंस के नेम में कितने लेटर्स आते हैं वो हमको काउंट करना है। तो लेटर्स किसको बोलते हैं, जैसे हमने सीखा है ना, ए बी सी डी ऐसे, तो इनमें भी इनके नेम्स में कितने वो लेटर्स आ रहे हैं वो हमको लेटर काउंट करना है, 1 2 3 4 ऐसे काउंट करना है और फिर वो नंबर लिखना है। सो फर्स्ट नेम इज, हियर इज नेम्स एंड हियर इज नंबर्स ऑफ लेटर। तो नेम्स में क्या है, सबसे पहले सलमा, तो सलमा के नेम्स में कितने लेटर आते हैं, तो लेटर को काउंट करते हैं। फर्स्ट लेटर इज एस, सेकेंड इज ए, थर्ड इज एल, फोर्थ इज एम एंड लास्ट वन इज ए। सो कितने लेटर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो नंबर्स ऑफ लेटर्स इज, कितने नंबर्स ऑफ लेटर्स है, नंबर ऑफ लेटर्स आर 5। आ गए यहाँ पे 5। यस, नेक्स्ट वन इज जोसेफ। अब जोसेफ में कितने नंबर है वो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो कितने नंबर्स ऑफ लेटर लिखोगे यहाँ पे, 6, लिखा है 6 ऐसे। थर्ड वन इज अरुण, कितने लेटर्स है अरुण में, 1 2 3 4। आ गए यहाँ पे 4। नेक्स्ट वन इज चिंटू, अब चिंटू के कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6। कितने लेटर्स हुए चिंटू के, 6। नेक्स्ट वन इज गीता, अब गीता के कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5। तो कितने लेटर्स है गीता के, 5। नेक्स्ट वन इज आशा, कितने लेटर्स है, 1 2 3 4। आगे यहाँ पे 4। यस, नेक्स्ट वन इज सुबू, सुबू कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5। तो कितने लेटर्स आए, 5। नेक्स्ट वन इज अहमद, अहमद के कितने हैं, 1 2 3 4 5। कितने लेटर्स है, अगेन 5। नेक्स्ट वन इज रवि, रवि के कितने लेटर्स है, 1 2 3 4। सो नंबर्स ऑफ लेटर्स आर 4। आ गए अभी 4। अब क्या किया, इन सब के हमने क्या कर दिए, सलमा, जोसेफ, अरुण, आशा, चिंटू, गीता, अहमद, सुबू, रवि, 9 के 9 नेम्स के हमने लेटर्स काउंट किए। तो किसी किसी के लेटर 4 आए, किसी के 5 आए, किसी के 6 आए, आए डिफरेंट लेटर्स। ऐसे आपके भी नाम में डिफरेंट लेटर्स होंगे और आपके फ्रेंड के डिफरेंट होंगे। तो अब इसके रिलेटेड क्या नहीं है, एक क्वेश्चन दिया है। हाउ मैनी नेम्स हैव 4 लेटर्स, कितने ऐसे नेम्स हैं जिनके नेम्स में 4 लेटर आ रहे हैं। ओके, तो कितने के हमने देखे थे, फर्स्ट लाइन में कौन सा है 4 लेटर वाला, यस अरुण, 1 2 3 4। तो अरुण के कितने लेटर है, 4। नेक्स्ट इज आशा, आशा के कितने लेटर है, 4। अब थर्ड लाइन में कौन है 4 लेटर वाला, रवि, तो रवि के कितने लेटर है, 4। सो कितने नेम्स हुए, 3 नेम, कौन से अरुण,
आशा रवि. थ्री नेम्स हैव फोर लेटर्स. कौन से हैं? अरुण, रवि, आशा. तो कितने पर्सन हुए? थ्री पर्सन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी नेम्स हैव फाइव लेटर्स. अब इसमें क्या बोला है कि कितने नेम्स हैं जिनके फाइव लेटर्स हैं? तो कौन से हैं? फोर नेम्स हैव फाइव लेटर्स. ऐसे फोर नेम्स हैं यहाँ पे जिनके कितने लेटर्स हैं? फाइव है. कौन से हैं वो? सबसे पहले क्या दिख रहा है हमको? सलमा. सलमा के कितने लेटर्स हैं? फाइव. नेक्स्ट वन इज गीता. गीता के कितने लेटर्स हैं? फाइव. नेक्स्ट वन इज सुबु. सुबु के कितने लेटर्स हैं? फाइव. एंड अहमद. अहमद के भी कितने हैं? फाइव लेटर्स. एंड लास्ट वन क्वेश्चन इज हाउ मैनी नेम्स हैव सिक्स लेटर्स. कितने नेम्स हैं जिनके सिक्स लेटर्स हैं? तो देखते हैं यहाँ पे दिख रहा है आपको जोसेफ. यस, उसके कितने लेटर्स हैं? सिक्स. एंड चिंटू. चिंटू के भी हमको क्या दिख रहे हैं? सिक्स लेटर्स दिख रहे हैं. सो टू नेम्स हैव सिक्स लेटर्स. दो हैं ऐसे जिनके सिक्स लेटर. कौन से? जोसेफ एंड चिंटू. आया समझ में? आपको क्या करना है, ऐसे ही क्वेश्चंस दिए होंगे उन क्वेश्चन को समझना है एंड देन यू हैव टू गिव योर आंसर. हाउ मैनी टाइम्स, अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? हाउ मैनी टाइम्स एस कम्स इन ऑल द नेम्स टेकन टुगेदर. अब ये सारे जब हम नेम देख रहे हैं उसमें एस लेटर जो आता है ना, एस फॉर सन, वो कितनी बार रिपीट हुआ है हमको वो काउंट करना है. बट सब में काउंट करना है हमको. अब तो ये सलमा में एस वन, जोसेफ में वन एस टू, आशा में भी वन एस है तो थ्री, सुबु में भी वन एस है तो क्या लिखेंगे? फोर. तो कितने एस हुए? फोर. कितने टाइम्स आया है? फोर टाइम्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपको? हाउ मैनी टाइम्स ए, लेटर ए, ए मीन्स ए फॉर एप्पल. तो ए फॉर एप्पल कितनी बार आया है अब हमको वो काउंट करना है. बट क्या पूछा है? ऑल टुगेदर में. तो सलमा में कितने ए है? वन टू, वन टू. नेक्स्ट अरुण. अरुण में कितने लेटर ए है? वन. आशा में कितने हैं? वन टू, वन टू. देन गीता में कितने हैं? वन. अहमद में कितने हैं? टू, वन टू. एंड रवि में कितने हैं? वन. तो कितने हुए टोटल ये? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन. तो कितने टाइम्स ए आ रहा है? नाइन टाइम्स. आया यहाँ पे नाइन टाइम्स. आया समझ में कि फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया आपको? अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नेम्स दिए थे, उस नेम्स के अकॉर्डिंग क्या करना है? लेटर्स को काउंट करना है. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? डेटा. डेटा मीन्स एनी इन्फॉर्मेशन. डेटा का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन दी है तो उसको क्या करना है? आपको कलेक्ट करनी है वो इन्फॉर्मेशन को, समझना है. एंड डेटा हैंडलिंग मीन्स क्या होता है? डेटा हैंडलिंग मीन्स शॉर्टिंग द इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू व्हाट इज अवेलेबल. इसका मतलब क्या है कि आपको जो पिक्चर दी है उस पिक्चर को अलग अलग क्वेश्चंस में सॉर्टेड करना है, मतलब सेपरेटली करना है उसको. हर एक चीज़ों को, जैसे आपको स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर में अलग करना है, कोई लेटर्स दिए तो लेटर में अलग करना है, कोई बहुत सारी ट्रीज दिए तो उसको काउंट करके अलग करना है. तो डेटा हैंडलिंग मतलब क्या होता है? जो पिक्चर आपको दिया हुआ है उसको अलग अलग, जैसे चीज़ें अवेलेबल है उसमें सेपरेट करना है, सॉर्टेड करना है. लेट्स स्टार्ट विथ सेकेंड एग्जाम्पल. ओके, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? मैंने आपको बोला था ना बहुत सारे पिक्चर्स भी आते हैं, तो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको पिक्चर. बट ये पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, जैसे सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये दिख रहा है फोर. तो आपको क्या करना है अब इसमें कि जो दिए हुए हैं शेप्स उसको काउंट करना है.
वी हैव अ सन, माउंटेन्स एंड अ हाउस, ट्रीज एंड अ कैट. यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है? सन दिख रहा है, माउंटेन्स दिख रहे हैं, हाउस दिख रहे हैं, ये सब क्या है? ट्रीज है. यहाँ पे क्या है? एक और कैट है. सो द क्वेश्चन इज लेट्स काउंट द शेप्स एंड राइट द नंबर्स. अब इसमें क्या करना है हमको? शेप्स को काउंट करना है और काउंट करके नंबर्स लिखना है. सो फर्स्ट शेप इज ट्राइंगल. तो ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी कितनी लाइंस होती है? थ्री लाइंस होती है. तो यहाँ पे हमको दिख रहे हैं ट्राइंगल्स. यस, क्या क्या दिख रहे हैं हमको ट्राइंगल? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए. यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड और भी दिख रहे हैं कैट में 13, 14 दिख रहे हैं आपको यहाँ पे ट्राइंगल. अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और बाकी के दो कहाँ हैं? कैट के लेग्स 13, 14. तो यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स हैं टोटल? 14. सो वी हैव 14 ट्राइंगल्स. ट्राइंगल्स की कितनी लाइंस है? 3. दिख रहे हैं यहाँ पे आपको 3. नेक्स्ट, नाउ लेट्स काउंट स्क्वायर्स. अब स्क्वायर्स क्या होते हैं? जिसके 4 लाइंस होते हैं. सो फर्स्ट स्क्वायर इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. सो यहाँ पे कितने स्क्वायर्स है? टोटल 7. कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. सो वी हैव 7 स्क्वायर्स. हो गए यहाँ पे 7. नेक्स्ट वन इज नाउ लेट्स काउंट रेक्टेंगल्स. रेक्टेंगल कैसे होता है? जिसकी ऑपोजिट जो टू साइड्स है वो कैसी होती है? सेम होती है. स्क्वायर से कैसा होता है? थोड़ा सा लार्ज होता है, बड़ा होता है, चौड़ा होता है. सो फर्स्ट ट्राइंगल इज, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो पूरा ये रेक्टेंगल है ना, ये नंबर 1. नेक्स्ट, ये जो बीच में जो लाइन है वो क्या है? नंबर 2. उसके ऊपर जो लाइन दिख रही है वो क्या है? नंबर 3. उसके ऊपर भी एक और रेक्टेंगल है, सो नंबर 4. नेक्स्ट इज नंबर 5, जो आपका गेट है, हाउस का गेट होता है ना, तो उसको क्या दिया हुआ है? रेक्टेंगल शेप. सो फर्स्ट रेक्टेंगल, सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन एंड दिस इज 5th वन. तो कितने रेक्टेंगल हुए हमारे पास? सो वी हैव 5 रेक्टेंगल्स. नेक्स्ट वन इज सर्कल. अब कौन सा शेप आएगा? सर्कल शेप. हाउ मैनी सर्कल्स आर देर? कितने सर्कल्स हैं? तो काउंट करते हैं हम फिर से. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. कितने दिख रहे हैं हमको सर्कल यहाँ पे? 8. तो हमारे पास कितने सर्कल्स हुए? 8. अब कैसे हुआ ये 7 नंबर? तो जो फेस है वो भी कौन से शेप में? राउंड शेप में. और उसको नीचे जो नीचे वाला जो पार्ट है वो भी कौन से शेप में? राउंड शेप में. सो यू हैव टू काउंट दिस 7, 8. अंडरस्टैंड? सो वी हैव 8 सर्कल्स. इधर 4 टाइप के शेप्स दिए, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल. चलो अब हमने ये 4 टाइप के देखे, ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल. अब ये कितने थे ये सब? 14 ट्राइंगल्स. नेक्स्ट 8 सर्कल्स, 7 स्क्वायर्स एंड 5 रेक्टेंगल्स. काउंट किए थे हमने ये 4 और ये लिख दिया हमने 14 ट्राइंगल्स, 8 सर्कल्स, 7 स्क्वायर, 5 रेक्टेंगल्स. अब ये शेप्स के भी क्या दिए हुए आपको? क्वेश्चंस दिए. कैसे क्वेश्चन दिए? नेम द शेप दैट अकर्स द मोस्ट. मोस्ट का मतलब क्या होता है? ज्यादा. जो सबसे ज्यादा नंबर है वो हमको लिखना है, जो सबसे ज्यादा काउंट में आए वो. तो सबसे ज्यादा कौन सा आया था?
ट्राइंगल, कितने थे ट्राइंगल हमारे पास? 14। ये सबसे क्या है, चारों शेप से ज्यादा है। नेम द शेप दैट अकर्स द लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे कम, तो सबसे कम कौन सा था? रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल कितने थे? ओनली 5। ओके, तो हमको क्या करना है, इसमें समझ में आया कि हमको जो पिक्चर्स देंगे वो पिक्चर को हमको समझना है, और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हमको क्वेश्चन को सेपरेटली सॉर्टेड करके फिर हमको क्या करना है, आंसर करना है। थैंक यू।